स्टूडेंट्स, इट इज विनोद आचार्य। लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता था, इसका ये फील्ड था और इस फील्ड में हमने इंटेंसिटी निकाली विद द हेल्प ऑफ ए टेस्ट चार्ज। ये जो चार्ज, ये चार्ज का सारा फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऐसे बनाया है, क्या वास्तव में ये ऐसा है? ये जैसा मैंने बनाया है, क्या ये वास्तव में ऐसा है? किसी ने इसको किसी और वे से बना दिया, फिर मन में फिर वही सवाल आया, क्या यदि ऐसा बना दिया जाए, ये क्या ये फील्ड ऐसा है? तो धीरे धीरे हमारे ये सामने ये समस्या आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, उसकी क्या वो कंटिन्यूस है, क्या उसकी जो स्ट्रेंथ है हर पॉइंट पे बराबर है? तो ये तो हमने मैथमेटिकली देख लिया था कि जो स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ सोर्स चार्ज पर निर्भर करती है और डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्टेयर ऑफ द डिस्टेंस। भाई जैसे जैसे सोर्स चार्ज से दूर जाएंगे तो हमारा जो फील्ड है वो उसकी इंटेंसिटी है, फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो इसी सीरीज में कि हमारा फील्ड कैसा है, फैराडे ने एक नया कॉन्सेप्ट हमें दिया और इट प्योर इमेजिनरी, काल्पनिक, प्योर हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, और उसका नाम रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये लाइनें इमेजिनरी थी, ये इमेजिनेशन है, और इसका जो पर्पज है वो हमारे फील्ड को दर्शाना है। और फील्ड कैसा है? फील्ड इज रियल। ये देखिए, फील्ड लाइन जो हमने चूज की है दे आर इमेजिनरी बट दे रिप्रेजेंट दी फील्ड विच इज रियल। ये इमेजिनरी है और जो फील्ड ये दर्शाएंगी वो हमारा फील्ड रियल है। फील्ड इज रियल, फील्ड इज रियल। देन नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी स्मूथ लाइंस। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स, कर्व ऐसी लाइन है, अभी बनाएंगे। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट, किसी भी स्थान पर फील्ड को दर्शाने के लिए इन लाइन्स का यूज होता है। दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इस टर्व पे, ये जो टर्व है, ये इस प्रकार के टर्व है फील्ड लाइनें। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द
डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड्स. दीज आर इमेजिनरी, दीज आर इमेजिनरी बट रिप्रेजेंट द फील्ड, रिप्रेजेंट द फील्ड्स, रिप्रेजेंट द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रियल, विच इज रियल, विच इज रियल. भाव ये है बोलने का कि किसी फील्ड को दर्शाने के लिए हमने कुछ स्मूथ कर्व, कुछ लाइनें बना ली है, इमेजिनेशन उनका इमेजिन किया है माइकल फैराडे ने. ये कंसेप्ट फैराडे ने दिया था ना फील्ड और फील्ड लाइंस का. और किसी भी स्थान पर, ओवर देयर, किसी भी स्थान पर फील्ड को दर्शाने के लिए जिन काल्पनिक लाइनों का यूज होता है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं. दीज आर द इमेजिनरी स्मूथ कर्व्स यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट. और यहां एक वर्ड भी लिख सकते हो आप, ओवर देयर, किसी स्थान पर, ओवर देयर, यहां पर दर्शाने के लिए ओवर देयर. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन इस में, ये हमारा स्मूथ कर्व है. यदि फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है तो यहां टेंजेंट बना दीजिए आप एट एनी पॉइंट. इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया तो ये हमें डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की. अभी हम पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. इसी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रॉपर्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअली भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर्व, दे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी. प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी, they are continuous curve. ये continuous है, continuous का मतलब ये है कि यदि ये यहां से शुरू हुई है तो ये लगातार चलती रहेंगी, ये बीच में टूटे नहीं, discontinue नहीं होगी. ओके, they are continuous curves. They start from a पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज. मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी जो फील्ड हो रहा वो ऐसे जाएगा, इसकी फील्ड रो फील्ड लाइनें ऐसे दिखाएंगे. दे आर स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये बाहर की तरफ जाएंगे. अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये बाहर की तरफ जा रही है, और यहां एक नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी ये जाएंगी ऐसे ऐसे. अब ये देखिए, यदि ये यहां से ऐसे इस यहां से तो बाहर जाती हुई नजर आ रही है आउटवर्ड, और यहां ये इनवर्ड नजर आएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि दे आर स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज. हमारी फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी और वो टर्मिनेट कहाँ होंगी जाकर, किसी नेगेटिव चार्ज पर. अब यदि हमारे पास इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइंस मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी. अब ये तो दो चार्ज थे यहां, यदि सिंगल चार्ज होता देन मान लो यहां सिर्फ पॉजिटिव होता देन हमें ऐसे नजर आती,
ऐसे बाहर जाती हुई, आउटवर्ड। हमें ये नहीं पता, हमें ये तो नजर आ रहा है कि ये स्टार्ट हुई है यहां, पर ये नहीं पता ये टर्मिनेट कहां होंगी। इफ देयर इज ए सिंगल चार्ज देन द फील्ड लाइन्स मे एंड एट इन्फिनिटी, हो सकता है ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। सिमिलरली यदि ये नेगेटिव चार्ज होता देन व्हाट हैपेंड, ऐसे हमें फील्ड लाइनें नजर आएंगी, ये ऐसी फील्ड लाइनें बनेंगी, नजर तो नहीं आनी है, इमेजिनरी है ये, तो हमारी ये ऐसे बनेंगी। अब ये देखिए ये जो फील्ड लाइन है ये हमारे नेगेटिव चार्ज के ऊपर आई है, पर कहां से आई है, दे कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी, दे आर कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी। और ये दे आर गोइंग टू इन्फिनिटी, दे आर गोइंग टू इन्फिनिटी। यदि दो चार्ज हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें तो हमें नजर आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाती है। इफ वी हैव, तीनों हमने फिगर बना लेने हैं और फिर उसके बाद लिखना है हमने कि इफ द सोर्स चार्ज इज सिंगल, ये पहले पॉइंट में ही है, इफ द सोर्स चार्ज इज सिंगल देन द फील्ड लाइन्स, इफ द सोर्स चार्ज इज सिंगल सिंगल देन फील्ड लाइन्स, फील्ड लाइन्स मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। कौन से टेस में है ये, इसमें, यहां से आ रही है ना ये, इसका मतलब यहां जब ये सिंगल चार्ज हो रहा हमारा नेगेटिव हो रहा तो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती नजर आएंगी। लाइन्स मे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और एंड्स टू इन्फिनिटी, और एंड्स टू इन्फिनिटी पर ये खत्म होंगी, ऐसा कब नजर आएगा, जब हमारा जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा, जब हमारा चार्ज कैसा हो रहा, पॉजिटिव चार्ज हो रहा, उससे नजर तो आएंगी, उससे बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, पर हमें ये नजर नहीं आ रहा कि ये खत्म कहां हो रही है, तो हमने मान लिया भाई ये इन्फिनिटी पे खत्म हो जाएंगी। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए फील्ड लाइन्स, the tangent at any point of a field line gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो जी हमारी ये कहीं से ऐसे फील्ड लाइन आ रही है, ऐसे फील्ड लाइन आ रही है और ये किसी चार्ज से आ रही है, तो इट मीन्स ये ऐसे जा रही है, किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रही है। इससे किसी पॉइंट पर आप इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहते हो पॉइंट पी पर, तो आपने पॉइंट पी पर एक टेंजेंट बना लेना है। टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, यहां से ऐसे उसी डायरेक्शन वही रखनी है। देखिए फील्ड भी ऐसे जा, फील्ड लाइन भी ऐसे जा रही थी, आपने टेंजेंट भी ऐसे ही बनाना है, तो इस पॉइंट पी पर जो डायरेक्शन हो रही ई थी ये हो रही। यदि मान लो आपके पास कोई फील्ड की लाइन है वो ऐसे जा रही है और किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पर ये ऐसे जा रही है, यस, और इस पॉइंट पी पर बताइए आप कि फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही, तो हमने बता दिया उसको, यहां से एक टेंजेंट ड्रा दिया हमने और ये हो रहा है, ये हमारी इस पॉइंट पर पी की डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर पी की डायरेक्शन है। तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन्स की, जो दूसरी प्रॉपर्टी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, यस, एट दैट पॉइंट।
at that point. Yes. Similarly, आपने फील्ड लाइन्स पहले भी सुनी है. फील्ड लाइन्स हमने सुनी है. यस. कहां सुनी है? टेंथ में. टेंथ क्लास में हमने फील्ड लाइन सुनी थी. टेंथ में हमने फील्ड लाइन सुनी थी, पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं थी. दे आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. उनके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, ज्यादा पढ़नी है आपने. हमारे पास एक बार मैग्नेट था, इसमें एक साइड एन था, एक साइड एस था, वो अपने आप लिखना है. यहां से ऐसे फील्ड लाइन शुरू हुई थी. याद कीजिए. और ये फील्ड लाइन हमारे बार मैग्नेट के अंदर भी गई थी. हमने वहां ये बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो जिस पॉइंट से शुरू होती हैं उसी पॉइंट पर वापिस आ जाती हैं. तो इस प्रकार की लाइन को बोलते हैं हम क्लोज कर्व. क्लोज. देखिए, अब ये लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है ये कि ये उसी पॉइंट पे आ रही है, इसलिए क्लोज भी है और ये कॉन्टिन्यूस भी है. क्लोज, कॉन्टिन्यूस कर्व. क्लोज, कॉन्टिन्यूस कर्व. अब बात करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. यदि हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं. नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी. नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट. No field line exists inside the charged body. So electric field lines are not closed, continuous curve. वह कंटिन्यूस कर्व तो है ही. वो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी ये कि फिर लाइन कंटिन्यूस होती हैं, पर वो क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं होती. वह क्लोज्ड कंटिन्यूस नहीं होती. तो कौन सी वाली होती है? और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. और हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर. हमारे पास जितनी भी फील्ड लाइनें किसी सोर्स चार्ज से निकलती हैं या उसके पास आती हैं, वह कोई भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, आपस में नहीं मिलती. यदि यह हमारा चार्ज है, चाहे इसमें से जाने वाली है या फिर ये तो पॉजिटिव है, इसमें से जाएंगी बाहर. यदि हमारे पास ऐसी कोई नेगेटिव हो और उसमें से बाहर उस पर अंदर आनी है, ऐसे इन्फिनिटी से आनी है, तो कोई भी दो फील्ड लाइनें आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती. यह हमारी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है. नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज. चलो ऐसा करते हैं, इनको मिला दे देखते हैं. दो फील्ड लाइन होती हैं और उनको आपस में इंटरसेक्ट करवाते हैं. चलो जी, बनाइए दो फील्ड लाइन. बनाइए एक फील्ड लाइन, बनाइए दूसरी फील्ड लाइन, बनाइए. और इस पॉइंट पी पर दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है. इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इधर वाली की डायरेक्शन ऐसे है. ये पहली लाइन है हमारी
चलो जी इसके ऊपर लिखा वन, ये दूसरी लाइन है। वैसे तो हमारी प्रॉपर्टी है जी फील्ड लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, हमने डरवा दी। चलो जी पॉइंट पी पर ए, ये पहली लाइन थे, पॉइंट पी पर मैंने टेंजेंट बनाया जो क्या बता रहा है, इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, बना दिया। इसी बिंदु, अब यही बिंदु इस लाइन पर भी है, इस लाइन पर यदि मैं एक टेंजेंट बनाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही। इट मींस एक पॉइंट पर फील्ड की दो डायरेक्शन आ चुकी हैं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। लिखो बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन देयर इज टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड फील्ड एट ए पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल यह इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही पॉइंट पर हमारे फील्ड की दो डायरेक्शन हो। इसीलिए हमने बोल दिया कि हमने मानी थी ना ये कि दोनों ये आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट, ये गलत है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास यह एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछी जाती है कि व्हाई नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर। हम कहते हैं जी यदि ऐसा पॉसिबल हुआ तो पॉइंट पी पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, उस पर फील्ड की दो डायरेक्शन आ जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगली हमारी प्रॉपर्टी है फील्ड लाइंस की, जो अगली प्रॉपर्टी है वो हमें कहती है दे आर क्लोज टूगेदर, कि फील्ड लाइनें पास पास होंगी, दे आर क्लोज टूगेदर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड They are far apart where the field is weak। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास हम एक एरिया में देखें, हमें इस पॉइंट के पास फील्ड लाइनें कहीं ज़्यादा नज़र आती हैं और एक फील्ड लाइनें ऐसे नज़र आती हैं, तो इस एरिया में यहाँ जो फील्ड लाइन है, जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो कम है, तो यहाँ का जो फील्ड है वो वीक है, और जहाँ ये ज़्यादा है, जहाँ फील्ड लाइन ज़्यादा है वहाँ फील्ड कैसा है, हमारा स्ट्रॉन्ग है। Whenever, अब इसको दोबारा पढ़िए, दे आर क्लोज टूगेदर, ये पास पास होती हैं, वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड फार अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। तो आज हमने पढ़ा कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए यूज होती हैं, और इनकी पांच प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, जो प्रॉपर्टीज बची हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।